सर्दियों का मौसम है तो मटर खूब अच्छे मिल रहे हैं, तो मटर के हम ऐसी पैटीज, टिक्की या जो भी आपकी इच्छा हो बोल सकते हो, बहुत ही टेस्टी बना है। चलिए, तो ये रेसिपी तो बनाने बनता ही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरीवन, मैं हूँ शोभा, वेलकम माय चैनल शोभा रसोई। फ्रेंड, आजकल मटर बहुत अच्छी मिल रही है, तो आज मैं बनाने वाली हूँ मटर का एक बढ़िया सा नाश्ता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी नहीं करके। उसके पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, डिश अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए देरी नहीं करें, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक मिक्सर जार ले लेंगे, इसमें मटर डाल देंगे। मटर को बिना पानी डाले या बिना बॉईल के हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए वीडियो का, देखिए बढ़िया सा पेस्ट बना लिया हमने। अब चलिए आगे के प्रोसेस करते हैं। हमने पैन ले लिया, पैन में 1 चम्मच ऑयल डाल दिया, इसमें 4-5 कली लहसुन के हम बारीक चॉप करके डाल दिए। ये ऑप्शनल है, आप अगर चाहो तो नहीं खाते हो तो स्किप कर सकते हो। लहसुन को थोड़ा सा सॉटे कर लिया। अब इसके आधे इंच टुकड़े अदरक की ग्रेट करके हमने डाल दिया। अदरक को भी थोड़ा सा हम सॉटे करेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम 1 कप पानी। आजकल लाल मिर्ची बाजार में फ्रेश वाली आ रही है, आप उसे वो डाल सकते हो बारीक कट कट के, या फिर चिली फ्लेक्स डाल सकते हो। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक। पानी बॉईल हो गया हमारा। अब इसमें हम जो सूजी लिए हैं उसको डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा करके। इसी के अंदर हम डाल देंगे जो मटर का पेस्ट हमने बनाए थे उसको डाल देते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 2 आलू बॉईल करके हमने ग्रेट करके रखे थे। ग्रेट कर लीजिएगा जिससे इसमें अच्छे से कोई गुठलियाँ नहीं रह जाएगी। इसे मिक्स कर देंगे। अब इसके पानी को अब्जॉर्ब करने के लिए मटर के और आलू के और थोड़े से कुरकुरे बनने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चावल का आटा। और गैस को कर देंगे हम ऑफ और इसे अच्छा से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए हम इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब 5-7 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट होने के लिए रख देंगे। ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, रेस्ट हो गया, इसको हम बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे। अब इसे हम निकाल लेंगे, थोड़ा सा गर्म रहने देंगे हल्का हल्का, जिससे इसका हम एक स्मूथ सा डो बना लेंगे। थोड़ा सा स्पाइसेस मिला देंगे, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच काला नमक, थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए हम 1 चम्मच अमचूर पाउडर। अब इसको अच्छा से हम स्मूथ सा एक डो बना लेंगे। देखिए इसे गूंथ के हमने थोड़ा सा स्मूथ डो सा कर लिया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 2 प्रोसेस चीज ग्रेट करके। अब इसके अंदर डाल देंगे हम खूब सारा हरा धनिया लेंगे। अब इसे बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे। इस डो को हम चॉपिंग बोर्ड में निकाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा डो लेके हम इसका एक सिलेंडर का शेप बना लेंगे। ये देखिए ऐसे हमने बना लिया। अब इसको हम इक्वल 1-1 इंच के अंतर में हम काट लेंगे। ऐसे हम इसका शेप बना लेंगे। आप अपने इच्छा अनुसार शेप बना लीजिएगा, मैं ऐसे राउंड बना रही हूँ, ऐसे ही सारे बना लेंगे। पैन हम तेल हमारा बहुत ज़्यादा थोड़ा गर्म हो गया, इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। उसके लिए हमारा ठंडा हो गया फ्रेंड, मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहो तो डीप फ्राई कर सकते हो। इसे मीडियम पे रखेंगे, फिर लो करेंगे, लो टू मीडियम पे हम इसे फ्राई करेंगे, जिससे हमारा इसका टिक्की जो भी बोले हो रोल बोलिए वो सब अच्छा से सीख जाएंगे फ्राई। देखिए एक तरफ से सीख गए हैं हम, इसको अलटते पलटते गोल्डन कलर का होते तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए हमने ऐसे ही गोल्डन कलर के बना लिए हैं। अब इसे निकाल लेते हैं, बाकी का भी हम फ्राई कर लेंगे। कितना
इतना बढ़िया कलर आया है ये खाने में। यकीन मानिए फ्रेंड, जितना दिखने में भी बढ़िया बना है उतना ही खाने में टेस्टी है। मैंने सारे पैटीज रेडी कर लिए, देखिए बहुत ही बढ़िया। चलिए प्लेटिंग करते हैं हम आप इसके। मैंने ये सॉस से ऐसे डेकोरेशन कर दिया है, आप अपनी इच्छा अनुसार डेकोरेट करिएगा। कितनी टेस्टी और कितनी हेल्दी, हेल्दी भी है टेस्टी भी है। तो मेरी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलती कोई अगली नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।